हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. सुबह के बज रहे हैं 10 और संडे का डे है, इसलिए आज ये मेरा बच्चा घर पर है और टी वगैरह मैं बना करके दे चुकी हूँ. बताओ, मेरे टीच हमेशा आपको हेलो करते रहते हैं. देखो, अभी भी किया था. आप उनको हेलो क्यों नहीं कहते? गंदी बच्चे. तो आज हमारा हो गया है प्रोग्राम कैंसिल. एक्चुअली आज हमारे फ्लैट में था, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी. संडे को भी मैं अलार्म लगा करके सोई थी क्योंकि आज ना रक्षाबंधन का हमारी सोसाइटी में. एक सेकंड बेटू, अब मेरे को थोड़ी सी बात करने दो. तो आज ना संडे को हमारी सोसाइटी में उस रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन था. जो ओम शांति वाली आते हैं ना पूरे मेंबर्स, तो वो आने वाले थे और रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन होने वाला था. तो मैं लगा के सोई थी अलार्म कि थोड़ा टाइम से उठ जाऊँ ताकि ब्रेकफास्ट वगैरह बना करके फिर मैं जाऊँ, क्योंकि फिर वहाँ जा कर के 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भी लग सकते थे. बट जैसे ही मैं उठी, थोड़ी देर बाद टीवी मैंने बनाई सबको कि फटाफट से मेरे को फ्री कर दो, नहा धो करके मैं आ जाऊँ ताकि. तो उसी टाइम ग्रुप में मैसेज आ गया कि जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि आज ना सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. अप्रॉक्स 7-8 बजे से ही कंटिन्यू, जब से मैं उठी हूँ मतलब तब से ही देख रही हूँ कि कंटिन्यू बारिश हो रही है बहुत तेज़. आई थिंक इसी वजह से जो है प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया है. तो टाइम से तो मैं उठ गई थी और अब सोच रही हूँ कि टाइम से सारे काम वाम भी निपटा लूँ. टीवी बनाना मेरा हो गया है. कोकोनट वाटर मैंने ना बाहर निकाल करके रख दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ठंडा था. तो मैंने कहा थोड़ा मैं पिलाऊँगी बेटू को आज, अगर ये नहीं पिएगी तो इसकी होगी पिटाई. पिटाई होएगी ना आपकी अगर आप नहीं पियोगे तो. मैं नानी को फोन कर दूंगी, नानी ने मेरे को बचा रखा है पूरी दुनिया से. नानी को फोन कर दोगे? मेरे को पाला है. अच्छा, और मैंने तो नहीं पाला. आप मेरे को दूध पिलाए, नानी ने पिलाया सारा. थप्पड़ लगाऊंगी. और यहाँ पे देखो, इसने सुबह सुबह अपना सारा सामान फैला दिया और जो मेरा सामान रात का रखा हुआ था ना वो भी इसने सारा फैला दिया. उसके बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि बनाना था मुझे ब्रेकफास्ट. संडे सबकी छुट्टी होती है बट किचन से कोई छुट्टी नहीं होती है हमें. वैसे भी संडे को ना थोड़ा सा अलग कुछ खाने का सबको मन करता है. रोटी सब्जी पूरा ही वीक चलती है तो इस संडे को होता है सबको या तो आलू के पराठे हो या कोई भी टाइप का मतलब पराठा हो. तो फिर आज पराठा नहीं बना रही थी, बाहर हो रही थी बहुत बारिश. तो सबका मन था कि चलो चीले बना देते हैं और चीले पकोड़े ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं ना बारिश के टाइम पे. तो आज इसलिए मैं चीले बना रही थी. पकोड़े थोड़े से ज़्यादा डीप फ्राई वगैरह हो जाते हैं तो वो ज़्यादा हैवी से हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा. लास्ट टाइम भी बनाए थे ना, एक एक दो दो पीस से ज़्यादा कोई खाता ही नहीं और फिर वो वेस्टेज में चले जाते हैं सारे. बहुत ज़्यादा ऑयली किसी को भी घर पर पसंद है नहीं हमारे. तो बेसन मैंने लिया था, बेसन में पानी डाल करके धीरे धीरे उसका बैटर बना रही थी. और ये देखो सारे आगे पीछे घूम रहे हैं मेरे. तो साथ के साथ पानी डालती रहती हूँ ताकि फिर उसमें कोई लम्स वगैरह ना आ जाए. और उसके बाद जो भी मेरे को उसमें चीज़ें डालनी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम डाला था. अच्छा लगता है अगर आपको पसंद हो तो, मतलब जैसे किसी किसी को ना कैप्सिकम का टेस्ट थोड़ा कम पसंद है. मनीष को भी उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, वो थोड़े निकाल निकाल करके खाते हैं, बट मुझे तो अच्छे लगते हैं तो मैंने डाल दिया था. और वैसे भी कल देखने में भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को चीला. तो इसमें मैंने एक टमाटो डाल दिया था, थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम डाली थी और थोड़ा सा अनियन डाल दिया था, मतलब एक छोटे साइज़ का अनियन डाल दिया था. तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था. एक ग्रीन वाली हरी मिर्ची भी डाली थी बट वो अभी मैंने कट नहीं करी थी. वो मैं पहले बेटू का बनाऊंगी चीला, उसके बाद फिर मैं उसमें डालती हूँ, वरना फिर स्पाइसी लगता है तो ये नहीं खाती है. तो इसके लिए मैं बिल्कुल बिना मिर्च वाला खाना बनाती हूँ. और उसके बाद फिर आजकल ना इसको मेरे साथ कुकिंग करना बड़ा अच्छा लगने लगा है. काउंटर पे आकर के बैठ जाएगी और चीज़ों को पलटना छेड़ना, मतलब वो वाली चीज़ें इसके अंदर अब आ गई हैं कि कुकिंग मैं करूँगी. और जब कुकिंग करने का टाइम आता है ना तो किसी को डेली डेली कुकिंग करना अच्छा लगता नहीं है. तो कह रही थी कि मैं इसको मिक्स करती हूँ. और अभी थोड़ा सा ना बैटर गाढ़ा था इसमें, अभी मेरे को पानी डालना था. जस्ट मैं ना एक बार देख रही थी कि चीज़ें मिक्स हो जाएँ, उसके बाद फिर उस हिसाब से इसमें पानी और ऐड कर लूँगी. पतला हो जाएगा तो फिर वो ख़राब वेस्ट में चला जाएगा फिर, क्योंकि मेरे को और बेसन इसमें ऐड करना पड़ जाएगा. बट अगर थोड़ा सा थिक होगा तो उसमें और पतला उसको बाद में किया जा सकता है. और उसी के साथ इसमें
ये जो सिरामिक पॉट है इसमें मैं घी रखती हूँ, जो भी डेली के मतलब ग्रीसिंग वगैरह के लिए मुझे चाहिए होता है, क्योंकि फिर डायरेक्ट कंटेनर उठा करके उसमें से यूज़ करना थोड़ा सा टफ सा लगता है, तो मैंने ये पास में सिरामिक पॉट में जो भी थोड़ा घी लगता है ना वो डाल करके यहाँ पे रखती हूँ। तो वो भी ख़त्म हो गया था उसमें, तो उसको भी मैंने रिफ़िल कर लिया था। और साथ साथ फिर मैंने चीले भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, 5-7 मिनट 10 मिनट ना, बेसन को भी अगर आप रेस्ट दोगे तो अच्छे से बेसन भी फूल जाता है और चीले बहुत अच्छे बनते हैं। साथ के साथ थोड़ा अभी अच्छे से ना फिर बेसन फूल नहीं पाता, तो 10-15 मिनट इसको हो गए थे। और फर्स्ट वाला चीला मुझे लगता है कि मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाता है जितना कि सेकंड वाला चीला बनता है। और देखो चीला देखने में अच्छा लग रहा था ना, ग्रीन रेड और कलरफुल सा अच्छा लगता है देखने में। और फिर पहले वाला चीला मैंने बेटू के लिए बनाया, उसको दिख गई थी ब्रेड, वो उसने पूछा मम्मा ब्रेड पड़ी है, मैंने बोला नहीं ब्रेड वगैरह ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, बहुत ही रेयरली कभी कुछ हो। उस दिन जब मेहंदी वगैरह लगाई थी ना मैंने, तो उस दिन लेकर के आए थे, तो तभी की एक ब्रेड बची हुई थी, तो बेटू ने बोला मुझे इसी का चीला बना करके दे दो। एक दो बार ना मैंने इसको पहले भी इस तरह से बना करके दिया है, तो इसलिए इसको फिर वही वाला खाने का मन था, तो सिंगल ब्रेड पड़ी हुई थी। साथ में मैंने मनीष के लिए टी भी बना दी थी, और ये वाला चीला मैंने बनाया बेटू के लिए था, और टी मैंने बाद मतलब स्टेन कर दी थी, तो बेटू ने बोला कि चीला मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को वही बना करके दे दो ब्रेड वाला। तो फिर मैंने वो वाला चीला जो बना था वो मनीष को दे दिया था, और बेटू के लिए ये ब्रेड वाला, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेड का पकौड़ा बोल सकते हैं, तो वही बन जाएगा क्योंकि बेसन वगैरह की कोटिंग करने के बाद, तो वो मैंने दे दिया था। इसको स्कूल में दिया था मैंने एक दो बार, तो इसको बहुत अच्छा लगा था, कैचअप के साथ इसने खाया था, तो तभी फिर इसको ब्रेड देख करके ना याद आ गई, तो फिर मैंने इसके लिए यही ब्रेड पकौड़ा बना दिया था। और अच्छा भी लगता है कभी कभार, तो ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो छोटे छोटे से 4 बन गए थे, एक ही ब्रेड को कट कर लिया था मैंने 4 पीसेस में, तो ये बेटू के लिए बन गए थे ब्रेड पकौड़े। और बहुत ज़्यादा ऑयल डीप फ्राई ये हुए नहीं थे, जस्ट मैंने इसको नॉन स्टिक वाला जो तवा होता है उसी पे बनाए थे, और थोड़ा थोड़ा इसमें साथ साथ घी की कोटिंग मैं करती चली गई थी। और बस यहाँ पे हमारा जो आज का ब्रेकफास्ट था ब्रंच वाला वो हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे का डे। और मनीष ने यहाँ पे पूजा कर दी है, पूजा करने के बाद मंदिर में जो पॉजिटिविटी मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एकदम फ्रेश सा लगता है घर देख करके। सो गाइस अभी हो चुका है नेक्स्ट डे मंडे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। बारिश ने 2 दिन से इतना परेशान कर रखा है, एक ही स्लॉट में कंटिन्यू 2 दिन से उतार रही हूँ और फैला रही हूँ, बार बार गीला हो जाता है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सुबह से इतनी तेज़ बारिश हुए जा रही है। सुबह से तो नहीं हो रही, 8:30 बजे से ही स्टार्ट हुई, एकदम बहुत तेज़ बारिश हुई, मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर बारिश भी थोड़ी रुक जाती है, मतलब स्लो हो जाती है। तो एक ही स्लॉट को मैंने बहुत बार सुखा दिया है, अब जा करके मैं अंदर फैला करके आई हूँ, और बस अब सोच रही हूँ आज सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर देती हूँ। बट उससे पहले एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना था। मनीष इधर आओ, मैं आता हूँ, जल्दी आओ, बोलो। मेरे को एक कमेंट आता है बार बार, और उसके पीछे आप जिम्मेदार हो, मुझे क्या? तो उसके बारे में आइडिया नहीं है, इधर आओ। क्या है? आओ तो सही। ओके जी। आ गए हैं मनीष भट। अब आपको मिस्टर मनीष वर्ड, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आप सबको मिलेगा। तो अब बताओ आपने मंदिर में शिव जी को अकेले क्यों रखा है, उसके पीछे क्या रीजन है? मुझे वो स्टैचू अच्छी लगी, जो शिव जी की प्रतिमा है बहुत अच्छी लगी, मैं ले आया। वैसे कहते हैं कि शिव परिवार लेना चाहिए, बट घर में जो स्मॉल फ्लैट्स होते हैं उसमें छोटा मंदिर होता है, तो उसमें पूरे शिव परिवार को रखना पॉसिबल भी नहीं है ना। हाँ हमारे पास है तो बहुत सारे शिव परिवार रखा हुआ है हमारे पास पहले वाले मंदिर का, तो मैंने कहा नया सब कुछ नया है, घर नया लिया है तो मंदिर नया लिया है तो सब चीज़ें नहीं ले लें, तो इसमें क्या क्या इशू है? तो मेरे को बार बार क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने शिव जी को कुछ पर्पसली अकेले रखा है, उसके पीछे का रीजन बताओ। अभी मुझे खुद नहीं पता रीजन, तो मैं क्या रीजन बताऊं? आपको अकेले ज़्यादातर अकेले मिलेंगे, परिवार के साथ भी तो अच्छे ऐसे तो बार बार 2-3 बार एक ही सेम क्वेश्चन आया है कि आपने अकेले क्यों रखा है, तो मैंने उनको आंसर किया था कि सबसे पहले तो ये मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे, ये लेकर के आए थे, इनको पता होना चाहिए कि मुझे पकड़ो लेकर के आए। और दूसरी चीज कि अगर मैं भी होती तो मैंने भी कभी इस बारे में सोचा नहीं कि शिव जी को अकेले नहीं रख सकते, उसके साथ मतलब उनके साथ पूरा परिवार उनका रखा जाता है,
तो मेनली इनको वो मतलब इमेज जो थी वो अच्छी लगी थी, तो ये ले आए थे उस दिन पूरा। ये राम दरबार भी लाए थे, और जिस दिन हमारा मंदिर हैंग हुआ था यहाँ पे, तो पूरी ये वाली मूर्तियां भी ऐसे लेकर तो के आए थे। हमारे तो पास इतने सारे देवी देवता उसके हैं। पीछे ना, जैसे मैंने आंसर दिया था, एक सेकंड, एक व्यूवर को मैंने आंसर दिया था जो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि आपने अकेले क्यों रखा है। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि डियर मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, कि ऐसा हमने सोच के रखा ही नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि मुझे पता चला है, मैंने किसी से पूछा है, मुझे तो रीज़न पता चल गया, बट आप फिर भी बताओ आपने किस पर्पस से रखा है। तो हमारा तो ऐसा कुछ ऐसा पर्पस है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के रखा हो। तभी मैंने मंदिर की क्लिप ली ना, तो मुझे याद आया कि इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना चाहिए। देखो ऐसे हमारे ना देवी देवता बहुत सारे लोग हैं, और एक छोटे से मंदिर में सारे देवी देवता नहीं आ पाते। जब भी हम पूजा करते हैं तो हम सारे देवी देवताओं का नाम लेते हैं ताकि हमारी पूजा सफल हो पाए। और हम जैसे काली माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं, दुर्गा माता के 9 अवतार हैं, तो हम सबको नहीं रख सकते, ठीक है ना? बस जाओ। भाई ऐसा देखो कुछ मतलब पर्पसली नहीं हमने रखा श्रद्धा हुआ। भाव अच्छा होना चाहिए, परिवार वगैरह सब खुश हो जाते हैं। परिवार के मुखिया हैं तो परिवार दुर्गा माता भी हैं, मेनली पार्वती, हमने कुछ पर्पसली नहीं हमारे रखा हुआ है वो। पास गणेश जी हैं, वो हमने रखा है ना, हाँ गणेश जी उनके हैं, बच्चे हैं, ठीक है? पार्वती माता दुर्गा माता का रूप है, सब सारी जानते हैं। माता जो है वो तो उमा दुर्गा माता पार्वती भी हमारे देवी। पास है, शिव जी भी हमारे पास है, नारायण जी भी हमारे पास हैं, जो विष्णु जी हैं उनसे राम बने, उनसे ही हमारे कृष्ण जी बने, तो वो भी हमारे पास है, हनुमान जी हमारे पास है, बस। तो मतलब मेनली हमने कोई पर्पसली नहीं रखा ना, नहीं ऐसे कोई कुछ सोच के रखा हो कि हमारे पास ये हो जाए या मतलब किसी का ये हो जाए। मेरे को तो ये क्वेश्चन से ना ऐसा फील हुआ कि मतलब अब देखो लोगों के क्वेश्चन तो आएंगे, लोगों के मन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ज़्यादा लोग डिवोशनल होते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, मैंने तो कभी इस बारे हाँ में सोचा ही नहीं था कि मतलब कभी जैसे होता है ना, नॉर्मली हमारे माइंड में ऐसा कुछ आता ही नहीं, तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था ये अच्छा कि। है, अगर आपने क्वेश्चन रेज किया है तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। और हमारे पास शिव दरबार था, पूरा का पूरा था, अभी हमारे पास मंदिर छोटा है, अभी हम बड़ा मंदिर पहले लेंगे। लास्ट वाले घर में हाँ हमारा बहुत बड़ा मंदिर था। और हमारे पास अब मंदिर बड़ा आएगा तो हम पूरे ही देवी देवता को रखेंगे। मैं तो इनको कहता भी हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवताओं को रखेंगे। बट स्पेस की प्रॉब्लम है हाँ ना यहाँ पे, हमारे पास मंदिर लगाने के लिए कोई प्रॉपर स्पेस नहीं चलो था, क्योंकि लिविंग एरिया में एलईडी यूनिट जो है हमने यहाँ पे ही लगाई, क्योंकि बेडरूम्स में अगर हम सामने वाली वॉल पे लगाते हैं तो उस साइड हमारे मतलब पैर आते थे, तो फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं हमें मिला। तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे, हमें ठीक लगा कि यहाँ पे ही मंदिर रख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें लगी लगाई ही हैं इस फ्लैट में, तो कोई प्रॉपर स्पेस था ही नहीं, तो हमने यहाँ पे रखा था। आई होप अगर अब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको आंसर मिल गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने पर्पसली या कुछ सोच समझ करके भगवान शिव को अकेले रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर ये जो डस्टबिन मैं कल लेकर के आई थी, मतलब सैटरडे को लेकर के आई थी, तो मैंने कहा इसको मैं रख देती हूँ वॉशरूम में। तो एक पॉली जो कि घर पे हमारे होती है, वो कैरी बैग जिसमें हम सामान वगैरह लाते हैं, वो मैं लेकर के आ गई थी। तो ये ना साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, अंदर अच्छे से सेट नहीं हो पा रही थी, बाहर निकल कर के आ रही थी। तो अभी मैं इसके जब लिड लगाऊंगी ना, तो ये अच्छे से मतलब सेट नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने जो ये पॉली थी उसको चेंज करा, थोड़ी छोटी साइज़ की लेकर के आई, तो वो अच्छे से इसमें सेट हो गई थी। वॉशरूम में एक डस्टबिन छोटे साइज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वॉशरूम की जो क्लीनिंग है वो मेंटेन हो पाती है, अदरवाइज़ फ्लोर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर मेरे को काफ़ी दिन से नीड लग रही थी, उस दिन मेरे को ये दिख गई तो मैं ले आई थी। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।